पिछली वीडियो में आप सबने रिक्वेस्ट की थी कि मैं मैप एनिमेशन पे एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो में हम ध्रुव राठी जैसी मैप एनिमेशन करेंगे, वो भी फोन के अंदर। आज हम मैप एनिमेशन से रिलेटेड चार चीजें सीखने वाले हैं। किसी कंट्री को मार्क कैसे करें, मैप में कलर कैसे फिल करें, मैप को 3D इफेक्ट कैसे दे और मैप एनिमेशन के बाद वीडियो कंटिन्यू कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है PSCC। ये काइंड ऑफ फोटोशॉप का मोबाइल वर्जन ही है। इस ऐप का लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा, लेकिन अगर आपको वहाँ पे ये लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके यूट्यूब पे शेयर किए सारे मटेरियल का लिंक ले सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको अपना मैप इम्पोर्ट करना है। अब इस मैप में मैं आपको रशिया का एग्जाम्पल लेके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट से मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोड दिखेगा जिसमें आप सिलेक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट या न्यूट्रल रख सकते हैं, और साइड में टॉलरेंस से आप अपने वॉन्ड की कलर ग्रैबिंग स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। टॉलरेंस को सेट करने के बाद हम रशिया पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा रशिया वाला एरिया पूरा सिलेक्ट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह आप किसी भी देश को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप गलती से कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्शन बना देते हैं तो बस आपको मोड पे क्लिक करना है, और जब यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा तो आपको सिलेक्टेड एरिया को क्लिक करना है, उससे वो सिलेक्शन हटने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इन दोनों का सिलेक्शन हटा देता हूँ। फिर आपको टूल बॉक्स पे जाना है और फिर कॉपी पे क्लिक कर लेना है, और इसके बाद दोबारा वहीं पे जाके आपको पेस्ट भी कर देना है। इससे आपके सिलेक्टेड एरिया का एक कटआउट आपके पास आ जाएगा जिसको एडजस्ट करके आपको सही जगह पे रखना है। आप चाहे तो इसका साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ टिक पे क्लिक करना है और फिर वापस टूल बॉक्स में आ जाना है और सिलेक्ट पिक्सल्स को चूज कर लेना है, जिससे हमारा एरिया दोबारा से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस एंड वाले ऑप्शन पे जाना है, एंड फिल एंड स्ट्रोक को चूज कर लेना है, और फिर यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते हैं अपने कटआउट को वो दे सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ब्लैक चूज करेंगे, और ये करने के बाद हम दोबारा टूल बॉक्स में आएंगे और डी सिलेक्ट को क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको राइट साइड में लेयर्स दिख रही होंगी, आपको वहाँ पे क्लिक करना है और फर्स्ट लेयर को क्लिक करके उसे हाइड कर लेना है। अब आपके पास एक PNG फॉर्मेट आ जाएगा जिसे डन पे क्लिक करके हम सेव कर लेंगे। अब आपको इस एरो पे क्लिक करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को चूज करना है एंड सेव टू गैलरी कर लेना है। इसके बाद आपको आना है काइन मास्टर पे और इमेज एसेट से वाइट इमेज को ले आना है, और फिर हम लेयर्स में जाके अपने PNG को इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद स्प्लिट स्क्रीन में जाके आपको फुल स्क्रीन को चूज कर लेना है ताकि हमारी इमेज को ओरिजिनल साइज मिल जाए, और फिर आपको वापस आना है और यहाँ से अपनी इमेज की पिक सेव कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने PNG को डिलीट करना है और जो इमेज हमने अभी सेव की थी उसे इम्पोर्ट करना है और उसे भी स्प्लिट स्क्रीन में जाके फुल स्क्रीन कर देना है, और इसके बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग में और स्क्रीन को चूज कर लेना है, और ये करने के बाद आपको लेयर्स में जाना है और इस ओवरले को ऐड कर लेना है और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देना है। फिर हम इसका साइज छोटा करेंगे और इसे सेंड बैकवर्ड कर देंगे और अपने सिलेक्टेड एरिया के पास ले जाएंगे, जिससे हमें कुछ इस तरह का इफेक्ट मिलेगा। आप चाहे तो ओवरले को चूज करके उसकी स्पीड भी स्लो कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा शो करना है। इसके बाद हम इस वीडियो को सेव कर लेंगे। अब आपको प्रोजेक्ट में वापस आना है और सबको डिलीट कर देना है इमेज एसेट को छोड़ के, और लेयर्स में जाके अपने मैप को इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको वापस लेयर्स में जाना है, जो वीडियो हमने अभी एक्सपोर्ट की थी उसे इंपोर्ट कर लेना है। स्प्लिट स्क्रीन में जाके उसे भी फुल स्क्रीन कर लेना है, और फिर ब्लेंडिंग में जाके मल्टीप्लाई को चूज कर लेना है, और ये करके आप कुछ इस तरह का क्रिएट कर लेंगे। अब इस क्लिप को भी आपको सेव कर लेना है। इसके बाद आपको एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना है और मीडिया से अपने मैप को इंपोर्ट कर लेना है। फिर लेयर्स से आपको हैंडराइटिंग में जाना है और शेप सेव सर्कल को चूज कर लेना है, और अपनी मर्जी का कोई भी कलर चूज कर लेना है। उसके बाद आप जिस कंट्री को भी हाईलाइट करना चाहते हैं वहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर देना है और उसे एडजस्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको इन एनिमेशन में जाना है और ड्रॉ बाय स्ट्रोक को चूज कर लेना है और टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है, जिससे आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट मिल जाएगा अपनी वीडियो में, और फिर इसे भी हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब आपको एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना है और कलर मैप वाली क्लिप को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको इसकी एक पिक कैप्चर करनी है और फिर इस क्लिप को डिलीट कर देना है, और जो पिक आपने अभी कैप्चर की उसे इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको लेयर्स में जाना है और हैंडराइटिंग में जाके एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फिर आप जिस भी कंट्री को कनेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे उस सर्कल को एडजस्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं रशिया और ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करना चाहता हूँ,
इसके बाद आपको अपने हैंडराइटिंग वाली लेयर को सिलेक्ट करके एडिट पे आना है और यहाँ पे इरेजर को चूज करके सबसे बड़ा साइज चूज कर लेना है और फिर आधे सर्कल को इरेज कर देना है। उसके बाद आपको छोटा साइज चूज करना है और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक कट लगाना है इस तरह। इसके बाद आपको वापस आना है और इन एनिमेशन में जाके वाइप राइट वाला एनिमेशन दे देना है और ड्यूरेशन को मैक्स कर देना है। ये करने के बाद आपको इस लेयर का एक डुप्लीकेट बनाना है और उसे थोड़े से डिस्टेंस पे रख देना है जिसे हमें एक शेडो इफेक्ट मिलेगा और इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है। ये सब करने के बाद आपको ये PNG इम्पोर्ट करना है और एनिमेशन शुरू होने से पहले लगाना है। और फिर इसी PNG का डुप्लीकेट करके एनिमेशन के एंड में लगाना है। फिर आपको इन एनिमेशन में जाना है और पॉप एनिमेशन चूज कर लेना है और इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम कर देनी है और ये एनिमेशन दोनों PNG में अप्लाई कर देनी है। अब आप कुछ ऐसा बना लेंगे और इसके बाद हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब हम एक्सपोर्टेड वीडियो को दोबारा से लाएंगे और पैन एंड जूम में जाके सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे थोड़ा जूम कर लेंगे और फिर एंड पॉइंट ऑस्ट्रेलिया पे भी थोड़ा जूम कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट्स में और एसेट्स स्टोर से डाउनलोड करेंगे ट्रांसफॉर्म। फिर आपको वापस आके ये इफेक्ट लगा देना है और पूरे स्क्रीन पे फैला देना है। इसके बाद आपको सेटिंग में जाना है जहाँ से आप कुछ ऐसा कर पाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इन सेटिंग्स को बढ़ा कम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा 3D इफेक्ट दे सकते हैं। अब हमने 3D इफेक्ट बना तो लिया है लेकिन हमारी क्लिप थोड़ी सी कट हो रही है तो हम पैन एंड जूम में जाके इसे ठीक कर लेंगे, जिसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके बाद हमें एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना है और अभी तक हमने जितने भी क्लिप्स बनाई है उनको सीक्वेंस वाइज ऐड कर लेना है। सबसे पहले आएगी सर्कल मार्क वाली, उसके बाद आएगी कलर वाली और उसके बाद आएगी 3D इफेक्ट वाली और फिर हमें पहले दो क्लिप्स के बीच में आना है और ट्रांजिशन को ऐड करना है। हमें एसेट स्टोर में जाके फेड सर्च करेंगे और कॉलम फेड को डाउनलोड कर लेंगे और फिर वापस आके नंबर 5 को चूज कर लेना है जिससे हमें कुछ इस तरह का इफेक्ट मिलेगा। इसके बाद दूसरे ट्रांजिशन पे आएंगे और क्लासिक ट्रांजिशन में जाके क्रॉस फीड को चूज कर लेंगे और फिर आपको इस क्लिप के लास्ट में आके एक पिक कैप्चर करनी है और उसे इंपोर्ट कर लेना है और इस इमेज की ड्यूरेशन हम 0.7 सेकंड ही रखेंगे। इसके बाद हम एक और क्लिप ऐड कर लेंगे जो कि हम चाहते हैं कि मैप एनिमेशन के बाद स्टार्ट हो। अब ये क्लिप थोड़ी लंबी है तो इसे ट्रिम भी कर लेंगे और हमारी प्रीवियस क्लिप से इसका कलर मैच करने के लिए इसमें हल्के से फिल्टर्स भी यूज कर लेंगे। इसके बाद आपको इस इमेज को चूज करना है और पैन एंड जूम ऑप्शन में जाना है और एंड पॉइंट में जाके थोड़ा सा जूम कर लेना है और फिर वापस आके हम ट्रांजिशन में जाएंगे और एक्सेलरेशन नाम की एक ट्रांजिशन को डाउनलोड कर लेंगे। वापस आके नंबर 3 को चूज कर लेना है और ड्यूरेशन को 0.5 के पास रख देना है जिससे आपकी फाइनल वीडियो कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब आपने ध्रुव राठी जैसी वीडियो एडिटिंग, वॉइस एडिटिंग और मैप एनिमेशन तो सीख ली, अब बचता है सिर्फ रिसर्च एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 1000 लाइक होते ही मैं उस पे काम करना शुरू कर दूंगा और अगर आपको कोई भी डाउट्स या रिक्वेस्ट है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि सबका रिप्लाई 24 घंटे के अंदर ही कर दूं। एंड इन दी एंड अगर आपको अपने नए चैनल को ग्रो करना है तो इस वीडियो को जरूर देखना, इसमें मैं ऑलरेडी अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर चुका हूँ अपने ग्रोथ के और साथ में डीकोडिंग YT के ग्रोथ के भी। सिर्फ 4 पॉइंट्स में आपको YouTube पे ग्रो करने के सारे सीक्रेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।